नमस्कार, मैं हूँ राहुल तिवारी और लेकर आया हूँ आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट पर सख्ती बरतने के आदेश जारी, इस हफ्ते नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में बकरी ईद पर सामूहिक नमाज पर लगी रोक, खुले में कुर्बानी देने की भी इजाजत नहीं। हिमाचल के मुख्यमंत्री कार्यालय में कोरोना वायरस ने दी दस्तक, उप सचिव रैंक के एक अधिकारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्पीकर ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तुरंत सुनवाई की मांग पर सीजीआई ने रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा। फर्टिलाइजर घोटाले में सीएम गहलोत के बड़े भाई के घर में छापा, अज्ञात बदमाशों के गोली मारने से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत। ऑक्सफोर्ड और कैनेसिनो समेत 3 वैक्सीन ने दिए अच्छे रिजल्ट, एक्सपर्ट बोले अधूरे नतीजे वायरस रोकने की कोशिश को कमजोर कर सकते हैं। बस किराया बढ़ाए जाने पर हिमाचल में कांग्रेस की तरफ से विरोध जारी, बढ़ोतरी वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी। अधर में सैनिकों की वापसी, एक हफ्ते में चीन की ओर से कोई बदलाव नहीं, सेना सतर्क। पूर्व केंद्र मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, प्रदेश में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दों पर विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरा जाएगा। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना काल में अहम फैसला लेते हुए कहा कि शहर में इस हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। प्रशासन ने कहा कि चंडीगढ़ के बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई जाएगी ताकि बाहर राज्य से चंडीगढ़ में आने वाले लोगों पर कुछ रोक लग सके। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 1 अगस्त को बकरीद के अवसर पर सामूहिक नमाज पर रोक रहेगी, खुले स्थानों पर कुर्बानी देने और खुले में मांस ले जाने की भी अनुमति नहीं है। राजस्थान में सियासी घमासान का आज 13वां दिन है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एसए बोबड़े से इस पर आज ही सुनवाई करने को कहा, लेकिन सीजीआई ने याचिका को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा। जोशी को सोमवार को विजयनगर क्षेत्र में बदमाशों ने गोली मार दी थी। वह गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती थे, जहां आज तड़के उनकी मृत्यु हो गई। ज्वालामुखी के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस प्रवक्ता संजय रतन ने कहा, जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा 25% बढ़ाया किराया सरासर गलत है, जो कि जनता के साथ अन्याय है। सरकार बढ़ाया किराया तुरंत वापस ले, नहीं तो संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश की जनता के रोजगार ठप पड़े हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।